और यहाँ पर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर दिखता है हमें इल्यूमिनाटी का गॉड या फिर आप कह सकते हो एक बकरी या फिर गोट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा स्ट्रेंज है, बहुत ही क्रीपी है ये। ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स। सो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज के वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं ईस्टर एग्स के बारे में, जो कि एक हिडन फीचर होता है जो गेम डेवलपर्स यार छुपा कर डाल देते हैं और उन्हें ढूंढना होता है हमें। तो आज हम लोग उसका पार्ट टू कर रहे हैं, पार्ट वन आ चुकी है बहुत पहले, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो यार बाद में देख लेना, इस वीडियो के बाद में देखना। तो आज मैं लाया हूँ इसका पार्ट टू, मतलब ईस्टर एग का पार्ट टू वीडियो। एंड गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है ना। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि यार जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तभी आपको पता चल जाए। तो चलो सबसे पहले की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहला हिडन फीचर और आप कह सकते हो ईस्टर एग को ढूंढने के लिए हमें जाना होगा सिंगल प्लेयर मोड में, जो कि है अपना गॉब्लिन मैप। तो यहाँ पर आपको देखना है मेगा ब्लास्टर, जो कि एक बेस है। तो यहाँ पर मुझे मिल चुका है यार मेगा ब्लास्टर, और इस पर हम अटैक पे दबाएंगे ताकि हम देख सकें कि यार इसके अंदर है क्या चीज़। तो यहाँ पर यार आपको सारी चीज़ें नॉर्मल दिखेंगे, मगर अगर आप यहाँ पर देखोगे ना एकदम कोने में तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक ब्रोकन बोर्ड। तो गाइस यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि यार आप इस ब्रोकन बोर्ड को भूल जाओ, आपको एकदम सही से याद होगा कि यार ये जो ब्रोकन बोर्ड है ये हमारे अपडेट के पहले से थी, और जब अपडेट आई तब हम इसे मतलब रिपेयर करके और फिर सेल करके नाइट बेस में जा सकते थे। तो अभी ये हमारे पास एकदम रिपेयर्ड है, एकदम से सही जा रहा है। तो यहाँ पर ये है एक ब्रोकन बोर्ड जो कि ईस्टर एग भी हो सकता है या फिर ये कोई ग्लिच भी हो सकता है। अब वो सुपरसेल को ही पता होगा कि यार ये कोई ग्लिच है या फिर ये कोई हिडन फीचर है। तो चलो यार बढ़ते हैं दूसरे वाले ईस्टर एग की तरफ। तो गाइस, जो दूसरा वाला हिडन फीचर है वो भी हमें मिलेगा गॉब्लिन बेस में, तो चलो यार ढूंढते हैं ना उसे। तो यहाँ पर मैंने दबाया अटैक पे और यहाँ पर मैं ढूंढूंगा, तो देखते हैं कहाँ है वो वाला बेस। हाँ, तो यहाँ पर हमें मिल चुका है गोबोट टाउन, तो इसे हम डायरेक्टली अटैक पे दबाएंगे और इसके अंदर देखेंगे कि क्या है इसके अंदर हिडन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बेस है। तो आप लोगों को मैं नहीं दूंगा यार, टाइम नहीं दूंगा, पिछले बार भी ऐसे ही किया था। तो मैं इसमें आपको डायरेक्टली बताऊंगा हिडन फीचर इसके अंदर क्या है, क्या है इसके अंदर ईस्टर एग। तो आप लोग थोड़ा सा ऐसे नज़र मार लो कि भाई आपको कुछ दिखा तो नहीं। तो चलो यार, कुछ भी आपको शायद नहीं दिखा होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यार यहाँ पर है 2013 का एक्समस ट्री, जो कि यार ये अभी तक यहाँ पर है, मगर ये हमारे बिल्ड मतलब हमारे मेन बेस पे वो नहीं आती है, क्योंकि ये है एक सीजनल ऑब्स्टेकल। तो आपको पता ही है कि सीजनल ऑब्स्टेकल आने के बाद फिर कभी आता ही नहीं है, वो बस एक लिमिटेड टाइम के लिए आता है, बस उसके बाद आपने रिमूव कर दिया तो वो आपके पास कभी नहीं आने वाला। तो सुपरसेल यार कभी कभी यार ऐसा होता है जो बहुत ही प्यारा प्यारा चीज़ होता है उसे हमारे गॉब्लिन मैप में यहाँ पर लाकर रख देती है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक एक्समस ट्री, जो कि सबसे पहला वाला एक्समस ट्री था, उसे भी यार ऐसे ही गॉब्लिन मैप में ही छुपा कर रखा था। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप देख लेना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलो यार बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तो गाइस, तीसरा वाला भी है गॉब्लिन मैप में, तो चलो यार देखते हैं गॉब्लिन मैप में। हाँ गाइस यार, सारे के सारे जो ईस्टर एग्स है ना वो ज़्यादातर है गॉब्लिन मैप में। तो चलो इसके अंदर ढूंढेंगे हम सबसे पहला वाला जो है पे बैक, तो इस पर हम डायरेक्टली अटैक पर दबाएंगे और देखेंगे कि इसके अंदर भी है क्या हिडन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यार बहुत ही एकदम छोटा सा बेस है जो हमें एकदम ट्यूटोरियल के टाइम इसे फोड़ना होता है। तो हम यहाँ पर ध्यान दे देंगे, हम देंगे यहाँ पर ध्यान। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस कि यहाँ पर है एक स्कल बना हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख सकते हो। और गाइस उसके नीचे आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर है एक बिल्ली बना हुआ है, जो कि मुँह मुंडी ऐसा ऊपर करके रखी हुई है। यहाँ पर इसका नाक है, यहाँ पर इसका मुँह है, और ये दोनों कान है। तो आपको क्या लगता है यार, ये कोई स्कल है या फिर ये सिर्फ ऐसे ही एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है? तो आप लोग कमेंट करके बताना। और मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर है एक मॉन्यूमेंट, तो ये एक कोई इंसान ही लग रहा है, पता नहीं अब ये कौन है कोई। इसके अंदर है ना गाइस बहुत सारे, ठीक है ना, बहुत सारे छुपी हुई चीज़ है जो यार आपको ढूंढनी है। तो मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। तो अगर आप ये पूरे का पूरे मॉन्यूमेंट को देखोगे तो यार यहाँ पर आपको लगेगा एक कार्टून वाला रैट, कार्टून वाला चूहा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और गाइस हाँ मैंने आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि यहाँ पर है एक इल्यूमिनाटी, जो यार क्लैश ऑफ क्लैंस को बहुत सारे जन बोलते हैं कि भाई यार ये क्लैश ऑफ क्लैंस इल्यूमिनाटी है। तो उसका भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, और उसके सर पर बिल्ली के, पता नहीं ये कौन सा मॉन्यूमेंट है। तो इसके सर पर एक देखो यार, यहाँ डॉटेड है,
तो अगर हम इन तीनों साइड को मिलाते तो ऑब्वियसली ट्राइंगल बनेगा। और अगर हम देखेंगे इसके बीच में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो होड जैसा बना हुआ है, तो हम इसे प्रिटेंड करेंगे कि यार ये एक आँख है, ठीक है ना। तो अब ये ट्राइंगल बन गया और बीच में आँख बन गया, तो ये बन गया एलुमिनाटी। तो ये है एक एलुमिनाटी का सिंबल। तो आपको क्या लगता है, क्या क्लैश ऑफ क्लैंस एक एलुमिनाटी है? नीचे कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर यार बहुत सारे चीज़ें यार, अगर आप धीरे धीरे ढूंढोगे ना तो आपको यार बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे। जैसे कि समझो यार, मैंने ये पूरे मॉन्यूमेंट को पकड़ा और यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पर दिखता है हमें इल्यूमिनाटी का गॉड, या फिर आप कह सकते हो एक बकरी या फिर गोट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस, ये कितना ज़्यादा स्ट्रेंज है, बहुत ही क्रीपी है ये। तो ये आपको कैसे लगे नीचे कमेंट करके बताओ। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं चौथे ईस्टर एग की तरफ। तो गाइस यार, अब चौथे वाले में मैं आपको बताने वाला हूँ यार एक ऐसी ईस्टर एग जो यार हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस से हट चुके हैं, मगर यार वो इतनी स्ट्रेंज थी ना और बहुत ही मिस्टीरियस थी यार, मुझे आपको दिखाना ही पड़ेगा वो। तो मैं यहाँ पर एक इमेज दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखो, और यहाँ पर आपको एक दिखेगा एक बटरफ्लाई, यहाँ पर दो विंग्स है इसकी, और ये है एक बटरफ्लाई बन जाता है। और उसके थोड़ा सा नीचे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक काऊ। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ और साइड में इसका पूरा इमेज भी है, अच्छे से देखो, दोनों में सिमिलैरिटी निकालो। आपको ये क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताना। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से मिलेंगे, मगर मैं अभी उसे ज़्यादा नहीं देख पाया, तो चलता है ना। तो यार मुझे तीन चीज़ें मिली है सिर्फ एक ही जगह पर, वो है एक बटरफ्लाई, और उसके नीचे एकदम से नीचे यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये सर्कल में आप देखो, यहाँ पर है एक काऊ, और उसके नीचे यहाँ पर आपको दिखेगा एक पिग। तो यहाँ पर आप उसकी मुंडी देख सकते हो, ये कोई एंग्री बर्ड वाली पिग लग रही है मुझे। तो आपको क्या लगता है यार नीचे कमेंट करके बताओ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लगी। एंड गाइस आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे तो यार यहाँ पर आपको दिखेगा बटरफ्लाई, इसके दो विंग्स भी है यहाँ पर, तो ये बटरफ्लाई दिख रहा है मुझे तो। और उसके थोड़ा सा नीचे आपको दिखेगा एक काऊ, और फिर उसके थोड़े से नीचे दिखेगा आपको एक पिग। तो चलो यार बढ़ते हैं पांचवे वाले ईस्टर एग की तरफ। एंड गाइस आपको पहले ही बता दूं, चौथा और पांचवा ईस्टर एग अब भी हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस में नहीं है, इसे हटा दिया गया है, मुझे नहीं पता क्यों। तो गाइस यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर आप, तो गाइस यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है मुझे एक बेबी टाइगर। तो गाइस यहाँ पर मैं एक टाइगर की फ़ोटो दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर ये वाली फ़ोटो है जो मेन फ़ोटो है वो देखो, और सिमिलैरिटी निकालो कि यार आपको ये नहीं लगती कि ये एक बेबी टाइगर लग रहा है, अच्छे से देखो, नीचे कमेंट करके बताना। एंड गाइस अगर आपको कमेंट करना है ना, तो एकदम लास्ट में वीडियो ख़त्म होगी तब जाकर कमेंट करना, और सब लाइन में ऐसे नंबर वाइज करके कमेंट करते रहना, क्योंकि यार एक मतलब एकदम सेपरेट कमेंट मत बनाना, एक ही कमेंट में अपने सारे आंसर्स नीचे डाल देना, ठीक है ना, तो आसानी होगी। एंड गाइस उसी के नीचे यहाँ पर उस इमेज में आप लोग देखो, उसी के नीचे आपको दिखेगा एक आउल, हाँ गाइस एक उल्लू। यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिले जो कि है एक बेबी टाइगर और एक आउल। तो यार आपको ये क्या लग रहा है यार, बहुत ही क्रीपी नहीं लग रहा आपको, कमेंट कर देना। एंड गाइस जो सिक्स में हमारे पास वो मिलेगा आपको गॉब्लिन मैप में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नेचुरल डिफेंस में, तो यहाँ पर अगर आप विजिट करते हो मतलब अटैक पे दबाते हो, तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक गोल स्टोरेज, और उसके आजू बाजू में वॉल से लिपटे हुए गोल स्टोरेज के आजू बाजू में उसे घेर के रखा हुआ है एक तरह से। तो गाइस यार अगर आप वहाँ पर कोई भी हीरो या फिर कोई भी ट्रूप अगर आप उसके मतलब एकदम यहाँ पर छोड़ते हो ना, तो ऐसे कुछ छोड़ना है आपको, तो अगर आप उसके आजू बाजू में छोड़ते हो ना, तो उसके आजू बाजू से निकलेंगे हिडन टेस्ला, जो कि बिल्कुल भी एकदम अननोन था यार, मुझे नहीं पता था कि यार इसके अंदर से मिलेगा, मगर यार मैंने थोड़ा सा ऐसे देखा अच्छे से कि हाँ भाई यार इसके अंदर से निकलता है। मैंने अपने दोस्त का आईडी पे ये ट्राई किया था, तो यार ये भी एक हिडन फीचर थी, ठीक है ना। तो चलो यार बढ़ते हैं सेवन्थ की तरफ। तो गाइस सेवन्थ में हम लोग बात करने वाले हैं, आपको पता होगा शायद से, तो मतलब हमारे जो बिल्डर बेस में है वहाँ पर एक साउंड इफेक्ट आता है जो कि है वुल्फ का। तो आपको पता ही होगा कि यार आप लोग तो सुने होंगे, और बहुत सारे जन ने तो यार मतलब हेल्प एंड सपोर्ट में जाकर यार सुपरसेल से पूछ लिया कि यार हाँ मैंने एक आवाज़ सुनी है, क्या वो वुल्फ वहाँ पर है? तो उन लोग यार बहुत ही मतलब ट्रोल करने वाला आंसर देते थे कि हाँ वो लोग हैं, मतलब वो जो वुल्फ है वो है आपके विलेज में बिल्डर बेस में, मगर वो आपके एकदम सामने नहीं है, वो बहुत ही दूर रहते हैं, तो वो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी, आप एकदम निश्चिंत रहो, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर एक ऐसा बंदा था जो कि यार यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था उसने, तो यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो प्ले करूँगा, और वहाँ पर लिटरली एक वुल्फ वहाँ से यार जाता है, ठीक है ना, ये वीडियो देखो आप सिर्फ। तो अगर आपने वो वीडियो देखा ना, तो उसमें आपको क्या लगता है यार ये कोई एनिमेटेड है या फिर ये कोई
मतलब एडिट किया हुआ है, मगर यार मैंने इस बंदे की वीडियो को पूरी देखी थी और इसने बताया कि यार ये कोई एडिट वेडिट नहीं है, ये एकदम रियल है, एकदम लेजिट है। तो आप लोग यहाँ पर और एक बार वीडियो को देख सकते हो, यहाँ प्ले हो रही है, ये देखो वुल्फ यहाँ से वहाँ जाते हैं, जैसे ही आवाज़ आता है साउंड इफेक्ट बजता है ओ करके आवाज़ आता है, वैसे ही वहाँ पर एक वुल्फ यहाँ से वहाँ दौड़ते नज़र आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लगता है यार, डरावना भी लगता है। तो गाइस अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है ना तो नीचे सारे के सारे कमेंट करके बताओ। और ये थी मेरी साथ के साथ ईस्टर एग्स, तो आपको ये कैसे लगी यार मुझे नीचे कमेंट करके बताओ जल्दी से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, प्लीज़ यार लाइक मार दो और सब्सक्राइब ज़रूर मारो। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब मारो और इस वीडियो की पार्ट वन आई है तो जाकर देखो, वो भी यार इतनी ही अमेजिंग है, इससे भी ज़्यादा अमेजिंग तो वो थी क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ईस्टर एग्स भी थे, तो इसमें थोड़े से कम थे। तो अगला पार्ट भी आएगा शायद, अगर कोई भी ईस्टर एग मुझे मिलता है तो ज़रूर आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग यार मुझे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, इस वीडियो को यार हर सभी लोगों के साथ शेयर मारो। तो यार मैं आपसे अगले ऐसे ही अमेजिंग एकदम अलग एकदम हटके वीडियो में मिलूँगा, क्योंकि आजकल ऐसा कौन कर रहा है यार, कोई नहीं करता, ठीक है ना। तो यार तब तक के लिए प्ले गेम्स, स्टे कॉमेडियन, ऑलवेज बी गेमडियन, पीस आउट। हे गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यहाँ पर आप दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो, जल्दी से यार मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यार हमारी चैनल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है क्लैश ऑफ क्लैंस कम्युनिटी में।